हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तहकीकाती इदारों के साथ मुकम्मल तआवुन के बावजूद अहद चीमा की गिरफ्तारी तशवीशनाक है। जिस तरह अफसरान को हिरासा किया जा रहा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में शुरका का मौकफ। चीफ जस्टिस से मामले का खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। पंजाब असेंबली में अहद चीमा की तरक्की के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट की तख्लीक है, इसलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। आइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम है। आइन सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम है, आइन पार्लियामेंट ने तख्लीक किया, इसलिए पार्लियामेंट आइन से सुप्रीम है। राणा सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन को समझने वाला सदमे की हालत में है। इदारे मुखलिस नहीं होंगे तो तरक्की नहीं होगी। हर इदारा कहता है कि मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा लोगों का हमें फ्रेंडली अपोजिशन कहना अफसोसनाक है। मुल्क में पैदा होने वाला हर बच्चा मकरूज है। शेख रशीद ने सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी में की गई तब्दीलियां इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी कानून और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा नए फॉर्म में 21 नुकात निकाले गए, कम मालूमात तलब की गई, आवाम को उम्मीदवारों के बारे में मालूम होना चाहिए। पीएसपी के डॉक्टर सगीर वसीम आफ्ताब और अशफाक मंगी को गार्ड ने सिंध असेंबली के गेट पर रोक दिया। तीनों की पास बनवाकर पहली बार सिंध असेंबली के इजलास में शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने सिंध असेंबली में पीएसपी रहनुमाओं को खुश आमदीद कहा। मुंतशर कौमी मूवमेंट है तो आज असेंबली में भी आप इनको मुंतशर ही देखेंगे। अगर ये तीन ग्रुपों में आते हैं या एक इनका वो धड़ा भी सामने आ रहा है, रिपोर्ट हो रहा है कि जो इन सबसे नाला है और वो चाह रहा है कि हम इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्विस रोल्स केस में सेक्रेटरी सिंध सर्विस को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 15 दिन के लिए जेल जाएंगे तो सबक सीख जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सर थोड़ी नरमी कर दें, रियाजुद्दीन की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा अदालती हुक्म की तामील ना करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अदालत ने दानियाल अजीज को तकरीरों का रिकॉर्ड फराहम कर दिया। वो खेल ना खेलें जो हमने खुद इजाद किया हो, जस्टिस सईद अजमत के रिमार्क्स। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत आज फिर होगी। नैब के दूसरे गैर मुल्की गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस जराह करेंगे। इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। इस्तिगासा के गवाह का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। तापी मंसूबा खित्ते में खुशहाली का बाइस होगा। मंसूबे से गैस की जरूरत का 20% हासिल होगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का तुर्कमानिस्तान में तापी मंसूबे के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा गवादर पोर्ट जनूबी एशिया में समंदरी लिंक बना देगा। पाकिस्तान मुआशी की तरक्की की राह पर गामजन है। इस साल चरह नमू 6% है। खवातीन को बाइख्तियार बनाने में खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों से आगे है, इमरान खान का दावा। कहा पहली बार जंगलात की रॉयल्टी बराह रास्त खवातीन को दी जा रही है, चित्राल से आगाज कर दिया। पिशावर के इलाके दीर कॉलोनी में बम धमाका, सरकारी अफसर समेत 3 अफराद जख्मी।